हेलो, चलिए आप सबका फिर से जीवन ज्योति बायो चैनल में स्वागत करती हूँ। और आज आपको कश्मीर के बगान में घुमाने लाई हूँ। देखिए, ये ना पीच का फ्रूट है और फ्रूटिंग बहुत प्रोमिनेंट है। पूरा एक फार्म हाउस में है इस समय हम लोग, और ये पीच में फ्रूटिंग हो रही है। लीफ पहचाने आप, ये फ्रूट आपके मैदानी इलाके में भी मिलता है। तो इस पीच के प्लांट के साथ साथ अगला मैं आपको एक एप्पल का प्लांट दिखाने जा रही हूँ। इस एप्पल में भी जब आप घूमते हैं ना, कोई मेगा मार्ट या स्पेंसर इस तरीके की शॉप, तो आपने देखा होगा कभी कोई गोल्डन कलर का एप्पल दिखता है, कोई ग्रीन कलर का एप्पल दिखता है। लेकिन वो सारे ही एप्पल जब छोटे होते हैं, यानी जब उनकी फ्रूटिंग हो रही होती है, स्टार्ट हो गई है, देखें तो ये फ्रूटिंग जो है वो ये यहाँ स्टार्ट हुई है। ये अब ये जो ट्री है आपके मेरे सामने इस समय हाथ में, जिसका आपको फ्रूट दिख रहा है, फ्रूट सारे ही ग्रीन है, एप्पल का है, और ये आगे जाके गोल्डन एप्पल बनेगा। ये इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ के ओनर से कलेक्ट की। अब एक ही तरीके के एप्पल में, यानी सारे फ्रूटिंग ग्रीन है ना, यहाँ पे प्लांट में जो बगान है उधर देख लेते हैं, उस सब में आपको फ्रूटिंग ग्रीन ही दिखाई दे रही है। तो अब जो ये बगान है ना, इस बगान में इतने डिफरेंट कलर के कैसे बनाए जाते हैं वो भी देख लेते हैं। एक और चीज दिखाना चाहूंगी, देखिए इस लीफ में एप्पल की ये कोई ये देखिए डिजीज लगी हुई है, दिख गई तो आपको दिखा रहे। देखिए पत्ती को थोड़ा सा छोटा सा कोई रोग हो रहा है यहाँ पे भी। देखो यहाँ पत्ती में बहुत प्रोमिनेंट डिजीजेस के पैचेस दिखाई पड़ रहे हैं। ये अब ये कैसे बनाए जाते हैं, इतने वैरायटी के एप्पल को ग्राफ्टिंग के साथ बनाया जाता है, तो मैं आपको ग्राफ्टिंग का प्रोसीजर दिखाने जा रही हूँ। देखो आप कैसे बनता है, ये है आपके एप्पल में ग्राफ्ट किया गया। नीचे एक पुराना स्टेम है, ये पुराने एप्पल का ही स्टेम है, ये स्टेम है। एक ये न्यू जो आप बुक्स में अपने सिलेबस में पढ़ते हैं, ये एक नया कलम लगाई गई, स्टेम लगाया गया, इसके ऊपर पॉलिथिन से इसको कवर कर दिया गया। दूसरा ये है नई दूसरी वैरायटी। कहना ये है कि इसी एक इस प्लांट में नीचे वाले बेस में इसमें गोल्डन एप्पल आएगा और इसमें रेड एप्पल आएगा। और इस एप्पल में खाद कैसे डाली जाती है ये भी आपको दिखा देते हैं। आइए ये देखिए इन्होंने क्या किया। ऑर्गेनिक फार्मिंग सुना है आपने, बहुत सारा ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक वर्ड आजकल हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उनका कहना ये कि वो किसी भी आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल यहाँ नहीं कर रहे हैं। किस चीज का फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, तो उन्होंने यहाँ पे काटी हुई घास फूस तो डाल ही दी है, साथ में ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जिसको बनाने में लगभग 2 साल का समय खर्च हुआ है। ये गाय का गोबर काउडंग है जिसकी बायोगैस निकाल ली गई है, यानी ये 1 साल की प्रोसेसिंग के बाद जो खाद बनी है उसका इस्तेमाल किया है। और ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करके यहाँ पे अच्छी सी हार्वेस्टिंग की जा रही है।